वेलकम टू एक लव्या एंड आई एम सचिन एंड इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर सम एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलर कल्चर इन इंडिया और इसका जो पार्ट बी है परफॉर्मेटिव ट्रेडिशन ठीक है पॉपुलर कल्चर आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री सेक का थर्ड ईयर का सो so, आइए स्टार्ट करते हैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन्स के सामने विजिबल है आपकी जो भी प्रॉब्लम जो भी डाउट हो आप आके पूछ सकते हैं और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक वन सर्च मार के आप हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं सिलेबस की बात करूं तो यूनिट वन आपको मैंने कंप्लीट करवा दी है यूनिट टू आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी और इसके अलावा सॉरी यूनिट टू भी मैंने आपकी कंप्लीट करवा रखी है यूनिट थ्री जो है आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में आपका सिलेबस खत्म ठीक है क्योंकि हमें ये सारे टॉपिक्स नहीं करने हमें करने हैं एनी थ्री

ओरल ट्रेडिशन का मतलब है कोई भी ऐसी बात जो आपने अपने बड़ों से सुनी हो आपके बड़ों ने आपको बताई आपने अपने बच्चों को बताई आपके बच्चे आगे फिर अपने बच्चों को बताते हैं सो so, ये ओरल ट्रेडिशन कहलाता है सो दस इट इज अ ब्रॉड टर्म विच में इंक्लूड इसमें क्या क्या आपका आ सकता है रिचुअल टेक्स्ट हो जाएंगे कुछ मंत्र आपके बड़ों ने आपको बताए हों पुरानी कहानियां हो जाएंगी म्यूजिकल जोनराज हो जाएंगे फोक टेल्स आ जाएंगी क्रिएशन टेल्स सॉन्ग्स हो जाएंगे जो मिथ्स हो आपने सुने हो वो आ जाएंगे स्पेल्स आ जाएंगे लेजेंड्स प्रोवर्ब्स ठीक है और रिडल्स आ जाएंगी जो आपकी पहेलियां होती हैं टंग ट्विस्टर्स आ जाएंगे वर्ड गेम्स होती हैं रिसाइटेशंस होती हैं हिस्टोरिकल बहुत सारे नरेटिव होते हैं ये सारी चीजें आप रिमेंबर करके अपने आगे की जनरेशन को देते हैं सो so यही आपका ओरल ट्रेडिशन है फिर आगे बढ़ते हैं अब हम ओरल ट्रेडिशन हैेवलेंट इन इंडिया फ्रॉम टाइम एंड इम मेमोरियल थ्रू आउट द वेरियल एजिस बहुत लंबे समय से ओरल ट्रेडिशन इंडिया में प्रेवलेंट है फॉर इंस्टेंस बिफोर द स्क्रिप्ट और राइटिंग डेवलप्ड द फोर वेदास जो हमारे चारों वेद हैं रामायण है, है महाभारत है ये ओरल फॉर्म में थे इनको लिखा नहीं गया था स्टार्टिंग में सो so द Entire scripture was by memory. आप अपने दिमाग से याद रखते थे और आपको जो भी ज्ञान मिला है बहुत जरूरी होता था आप आगे उस ज्ञान को पास करें इन दिस वे हैड पास देयर एक्वायर्ड नॉलेज टू नो जनरेशन और ऐसे ही अपने आने वाली जनरेशन को लोग जो है बताते रहते थे तो आगे हाउ एवर इन मैनी कंट्रीज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड द इंडस्ट्रीज द अपॉर्चुनिटीज टू रिमेंबर एंड ट्रांसफर आर लॉस्ट आज की डेट में क्या है आपकी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया है लोगों ने याद करना छोड़ दिया है बुक्स हैं मोबाइल में पी खोल ली सब कुछ आपके हाथ में है सो अब आप याद करते ही नहीं है और पहले तो ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो याद करना पड़ता था फिर है आगे Many folk practices, songs, songs narrative have faded away. So, cultural songs होते थे, लोगों को याद ही नहीं है They are not in living form, but in India, the rural इन is still large and large section of population lives in villages. But आप अगर अपने गाँव में जाते हैं तो आज भी शादी पे गाने गाए जाते हैं और कोई खुशी का मौका है उसके लिए भी कोई folk, folk songs होते हैं लेकिन शहरों में ये चीज गायब हो चुकी है द चैंड इन टेम्पल्स मंदिरों के मंत्र भजन कीर्तन फोक सॉन्ग ठीक है लेजेंड कल्ट प्रैक्टिस रास लीला ये आज भी गांव में आपको देखने को मिलेंगे सज द ओरल ट्रेडिशन हैज बिन कंटिन्यूइंग फ्रॉम एंशियंट टाइम्स एंशियंट टाइम से ही आपका ओरल ट्रेडिशन चला आ रहा है

इसी वजह से जो इंडियन वैदिक स्कॉलर्स हैं वो इस ओरल ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं टीचिंग ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस देखो द टीचिंग ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस हैज बिन प्राइमरली ओरल पहले ये सब ओरल ही होता था राग स्ट्रक्चर इंट्रीगेट न्यूंसिस ऑफ ताल रिदम राग ताल वाल सब जितनी भी चीजें हैं सब ओरली होता था गुरु शिष्य को बताते थे माउथ टू माउथ There is no printed sheet of music. कोई भी 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 ऐसी printed sheet music की नहीं होती थी, okay, orally सब बताया जाता था, so similarly in Indian classical dance, जितने अभिनय, जितना भी हो, hand gestures होते हैं, वो सब डांस से लेके सब कुछ ओरली टीचर सिखाते थे कोई रिटर्न फॉर्म में नहीं होता था ये सब ठीक है फिर है भजन ट्रेडिशंस भजन आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में भजन चलते हैं आपके इन महाराष्ट्र मिलियंस फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ गो ऑन ए पिलग्रिमेज एवरी ईयर टू पंधरपुरा टेम्पल टाउन एज दे ट्रेवल दे सिंग द पोम्स कंपोज्ड बाय ध्यानेश्वर एक नाथ तुकार जितने भी ये जो लोग हुए मीरा नानक कबीर इन्होंने बहुत सारे भजन बनाए और उनको लोग गाते हैं आज भी हरिदास परंपरा पीपल ट्रैवल टू तिरुपति जो हरिदास परंपरा के लोग हैं वो तिरुपति जाते हैं

ठीक है दे रिलाई ऑन द ओरल ट्रेडिशन ऑफ द लैंग्वेजेज नोन टू पीपल ऑफ़ द पर्टिकुलर रीजन फोक ट्रेडिशन एक किसी पर्टिकुलर रीजन का होता है राजस्थान का फोक सॉन्ग अलग होगा फोक डांस अलग होगा यूपी का अलग होगा आसाम का अलग होगा द कन्नड़ लैंग्वेज हैज द यक्षगन थिएटर द गुजराती लैंग्वेज हैज़ द भवई थिएटर मराठी लैंग्वेजेस हैव द तमाशा थिएटर तेरा कुट्टू इन तमिलनाडु भगवत मेला इन आंध्र प्रदेश जथ एंड रामलीला इन नर्दन पार्ट्स ऑफ कंट्री सो so, ये हो जाएगा स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन कहानियां सुनाना स्टोरीज कुड बी मेमोरीज जो भी आपको याद रहता है आप अपने बड़ों से सुनते हैं आप अपने बच्चों को बताते हैं इट हैज अ वे ऑफ अफिंग द लिसनर्स साइलेंस एंड द द टेलर्स एक्सप्रेसिंग डीपेस्ट डिजायर एंड एक्साइटीज ऑफ दैट सोसाइटी डायरेक्टली थ्रू सबवर्सिव मीन सो लोग इसमें लिसनर्स को साइलेंस में अपने तरीके से जो भी उनके एक्सप्रेशन होते हैं एक्सप्रेस करते हैं वो फ्रॉम टेलिंग स्टोरीज विद द हेल्प ऑफ वॉइस एंड जेस्टर देखो आपने कभी देखा होगा कि स्टोरी सुनाते टाइम लोग अपना हाथ भी लाएंगे आवाज़ भी वो करते हैं जेस्टर अलोन टू यूजिंग पेंटेड स्क्रोल्स एंड बॉक्सेस टेक्स्ट डांस म्यूजिक परफॉर्मेंस ये सबसे भी स्टोरी टेलिंग होती है आगे है टू प्रेवलेंट ट्रेडिशंस अब हमें आपके जो सिलेबस में प्रेवलेंट ट्रेडिशंस दे रखे हैं राजस्थान और आंध्र प्रदेश के वो पढ़ने सो आइए देखते हैं क्या है इसमें है कावड़ बंचन सो स्टोरी टेलिंग ओरल ट्रेडिशन ठीक है राजस्थान में कावड़ बंचन एंड ओरल ट्रेडिशन ऑफ स्टोरी टेलिंग इज स्टिल अलाइव इन राजस्थान सो ये स्टोरी टेलिंग का एक ट्रेडिशन है जहाँ पे जो हमारे एपिक्स हैं महाभारत और रामायण उनकी स्टोरीज जो हैं और जो पुराणों में जो स्टोरीज दी गई हैं वो सब सुनाई जाती है द एक्सपीरियंस इज ऑडियो विजुअल ठीक है एज द टेलिंग इज अकम्पनीड बाय द टेकिंग द लिसनर ऑन अ विजुअल जर्नी मेड पॉसिबल बाय द कावड़ श्राइन सो अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ स्टोरी टेलिंग इट इन इनवोक्स द नोशन ऑफ सेक्रेट स्पेस एंड प्रोवाइड्स एन आइडेंटिटी टू ऑल मेकिंग, टेलिंग एंड लिस्टिंग फिर आगे है इसमें द कावड़ इज अ पोर्टेबल वुडन टेम्पल कावड़ आपने देखा ही होगा कि एक पोर्टेबल कहीं भी आप उसको ले जा सकते हैं श्राइन दैट हैज विजुअल ऑन इट्स मल्टीपल पैनल्स दैट आर हिंग टूगेदर कावड़ पे बहुत सारी चीजें लगाई जाती है These panels open and close like doors, simulating the several thresholds of a temple. The visuals are those of gods, goddesses, saints, local heroes and patrons. It is made by a carpenter, जो carpenter होते हैं जो कि कासकर एक community है मेवाड़ की, वो इसको बनाते हैं और storytellers जो होते हैं जिसको कावड़िया भाट कहा जाता है, ये भी मेवाड़ के होते हैं और this portable temple or shrine comes to the devotee rather than the devotee going to the temple, ठीक है?

एंड अ प्लेस ऑफ एंट्री फॉर द डिवोटी इन द कावर ट्रेडिशन इज एप्रोक्सिमेटली फोर हंड्रेड ईयर्स ओल्ड ट्रेडिशन चार सौ साल पुराना ट्रेडिशन ऑल दो लाइक सेवरल ओरल ट्रेडिशन इन इंडिया इट्स ओरिजिन इज लोकेटेड इन माइथोलॉजी और एट्रीब्यूटेड टू अ मिस्टीरियस पावर इसका ओरिजिन भी एक माइथॉलॉजी में है हिस्टोरिकल एविडेंसिस बट देर आर नो क्लियर टू द कावर्ड सो अभी तक ये आपको समझ आ रहा होगा फिर है हरी कथा हरी कथा यानी कि जो लॉर्ड विष्णु है उनकी कथा ऑल्सो नोन है कथा काल क्षेत्र विच मीन्स स्पेंडिंग टाइम विद द स्टोरी इट इज अ फॉर्म ऑफ हिंदू ट्रेडिशनल डिस्कोर्स इन विच द स्टोरी टेलर एक्सप्लोर आर ट्रेडिशनल थीम

एन एक्ट ऑफ हरिकथा कथा नरेशन ऑफ अ मेन स्टोरी अलॉन्ग साइड रिकाउंटिंग सब प्लॉट दैट कनेक्ट द स्टोरी द एंटायर एक्ट इज वन पर्सन परफॉर्मेंस कंसिस्टिंग ऑफ स्टोरी टेलिंग पोइट्री डांस एक्सप्रेशन ये सब इसमें होता है और म्यूजिक भी होता है द एंटायरेशन इज एक्सेंचुएटेड बाई सोंग्स दैट रिलेट टू द्लॉट एंड एनिक डॉट दैट अपलिफ्ट दफ़ द प्लॉट और दिस इज़ एन एंशियंट फॉर्म दैट टू करेंट फ्रॉम ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट इन अराउंड ट्वेल्थ सेंचुरी द तेलुगु फॉर्म ऑफ हरी कथा ओरिजिनेटेड इन कोस्टल आंध्रा ड्यूरिंग द नाइनटीन सेंचुरी हरी कथा कलक्षेपम इज मोस्ट प्रिवलेंट इन आंध्रा ज़्यादातर ये आंध्रा में है जो हरी जो होते हैं वो विलेजेस में जाते हैं सिंगिंग करते हैं डेवोशनल और धनुर्मा संक्रांति नारायण द तेलगु हरिकता तेलुगु हरिकता के जो ओरिजिनेटर है वो ये है ठीक है एंड विध काव्यास मेड इट अस्पेशल आर्ट फॉर्म द मेन आइडिया ऑफ द हरिकता इज टू इम्पार्ट द रिच वैल्यूज ऑफ कल्चर ट्रेडिशन एंड रिलीजन अमंगस द मासेस ये सब नॉलेज पहुंचाना द नॉलेज अबाउट नोइंग अपने आप को जानने की नॉलेज ठीक है स्टोरी टेलिंग वगैरह इसमें यूज होती है जितने भी इंसिडेंट्स वगैरह हैं वो सब बताए जाते हैं माइथोलॉजिकल पास्ट भी बताए जाते हैं फिर अगला टॉपिक है थिएटर एंड डांस यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके द हिस्ट्री ऑफ द थिएटर इन इंडिया डेट्स बैक अराउंड फाइव थाउजेंड ईयर्स पांच हजार साल से भी पुरानी हिस्ट्री है इन अर्ली फॉर्म्स द परफॉर्मेंसेस वर ऑफन नरेटिव इंक्लूडिंग रिसाइटेशन सिंगिंग एंड डांसिंग फ्रॉम संस्कृत ड्रामाज फोकलोर टू वेस्टर्न इन्फ्लुस्ट्रीब्यूशन भरत मुनि जिन्होंने छत्तीस बुकों को लिखा ठीक है नाट्य शास्त्र की विच डिस्क्राइब्स अ थ्योरी ऑफ अ थियेटरिकल परफॉर्मेंस ठीक है थियेटर में परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए वो पूरी थ्योरी इन्होंने बताई है अकॉर्डिंग टू भारत ठीक है भरत मुनि द गॉड ब्रह्मा लेट्स ने इनको कहा था लिखो एंड भरत स्टेम्स फ्रॉम थिएटर आर्किटेक्चर टू मेकअप दर्फॉर्मेंस मूवमेंट्स और भरत मुनि ने सब कुछ इसमें लिखा द हिस्ट्री ऑफ द ये मैंने आपको बताई दिया है आगे बढ़ते हैं अब हम रविंद्रनाथ टैगोर वंस सेड दैट नेशन कल्चर इज जज्ड बाय द स्टैंड ऑफ इट्स थियेटर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था एक देश का कल्चर उसके वहाँ के थियेटर को दिखाता है कि मतलब उसके थिएटर से पता चलता है द ग्रेट रशियन एक्टर एंड प्रोड्यूसर स्टैनिल डिस्क्राइब द स्टेज एज एन इंडेक्स ऑफ द एस्थेटिक टेस्ट ऑफ अ नेशन एक नेशन का एस्थेटिक टेस्ट कैसा होता है वो उसका थिएटर बताता है एंड इन इज कैरेक्टरिस्टिक वे बर्नल शॉ डिक्लेयर अ नेशनल थिएटर इज वर्थ है सेक ऑफ द नेशन सोल ठीक है ये सब बातें हैं द क्लासिकल थिएटर ये क्या है आगे देखते हैं एंशियंट हिंदूज हैड अ वेरी हाई कंसेप्शन ऑफ द आर्ट ऑफ द थिएटर हिंदूज में एंशियंट में टाइम में बहुत ज्यादा होता था द आर्ट ऑफ ड्रामा विच इंक्लूडेड डांस इस ड्रामा में डांस भी इंक्लूडेड होता था और नाट्य शास्त्र वगैरह आप में जो है मैंने आपको पीछे बताया है द वर्ड्स वर टेकन फ्रॉम द ऋगवेदा और इन नाटकों में फिर ऋग्वेद से भी वर्ड होते थे अभिनय भी होता था यजुर्वेद से लिया गया है म्यूजिक सामवेद से लिया गया है जो रस है उसके अंदर वो अथर्ववेद का है सो द आर्ट इज एक्सटोल्ड एज कैपेबल ऑफ सिक्योरिंग द फोर फोल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ ऑफ इंक्रीजिंग वन फेम प्रोमोटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस सो इन सब चीजों के लिए आर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है ये हमारे दुख दर्द पीड़ा को दूर कर देगा The following characteristics of drama is narrated by Brahma according to the uh, introductionary chapter of Bharatanatyashastra demonstrates the highly developed and comprehensive conception of drama which the ancient Hindus had. The drama is a representation of the state of the three worlds. In it sometimes there is a reference to duty, sometimes to fame, sometimes to peace and sometimes laughter. एक ड्रामा में आप देखोगे ड्यूटी भी सिखाई जाती है फेम भी होता है शांति भी होती है हंसी मजाक भी होता है उसमें फाइट भी दिखाई जाती है उसमें प्यार भी दिखाया जाता है उसमें मारना भी दिखाया जाता है देर इज नो वाइज मैक्सिम नो लर्निंग नो आर्ट और क्राफ्ट नो डांस नो एक्शन दैट इज नॉट फाउंड इन द ड्रामा वो कहते हैं ड्रामा में ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना होती हो सब है उसमें उसमें आर्ट है उसमें क्राफ्ट है उसमें डांस है उसमें लर्निंग है उसमें एक्शन है सो ये सब बातें हैं भरत नाट्य शास्त्र गिव्स अ फुल एंड रिच पिक्चर ऑफ द क्लासिकल थिएटर सो ये आप समझ गए होंगे भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में सारी डिटेल बताई है और इसके अलावा जो है कालिदास शुद्रक भवभूति इन्होंने भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है इवन इफ मोस्ट ऑफ द थीम्स ऑफ क्लासिकल प्लेज एंड द फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल ड्रामा मे नॉट कमांड टुडे द अपील दे वंस हैड द क्लासिकल कंसेप्शन ऑफ ड्रामेटिक आर्ट इट्स टेक्निकूड ये सारी चीजें आपको ड्रामा में देखने को मिल जाती हैं सो so यही इसमें बताया गया है सो so भारत डिस्क्राइब्ड ड्रामा एस बोथ दृश्य और श्रव्य दृश्य जिसको आप देख सकते हो ड्रामा को श्रव्य जिसको आप सुन सकते हो तो ड्रामा ऐसी चीज है आगे है द संस्कृत ड्रामा ओपन्स विदोग इन विच द मैनेजर एंड कंपेशन कन्वर्स एंड इंट्रोड्यूस द पोएट एंड द प्ले द थीम इज ऑर्गेनाइज इन एक्ट कॉल्ड अंकाज अंकों में पूरा ड्रामा चलता है ये आपके चार से लेके दस तक अंक हो सकते हैं नो कैरेक्टर कैन एंटर विदाउट हैविंग बीन इंडिकेटेड ऑलरेडी इंडिकेशन के बिना कोई कैरेक्टर बीच में नहीं आ सकता द टेक्स्ट ऑफ द प्ले इज मिक्स्ड प्रोज एंड वर्स स्टाइल प्ले का जो टेक्स्ट होता है वो प्रोज भी हो सकते हैं उसमें वर्स भी हो सकते हैं सो इस तरीके से चलता है like the mixture of prose and verse there is also a mixture of learned and popular tongues the highly strata and the educated male characters speaking sanskrit jo jyada tar padhe likhe male characters hain wo sanskrit mein bolte hain Uh, और जो लोअर जो क्लासेस के लोग हैं लेडीज वगैरह जो हैं और जितनी भी हैं वो प्राकृत में बोलती हैं बहुत बारी अपने जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें बोलती हैं एंशियंट साउथ इंडियन अब इसमें क्या है एन अकाउंट ऑफ एंशियंट साउथ इंडियन थिएटर इज अवेलेबल इन अरंगेरू का डोजन लाइन इन दमेंट्री रंस टू ओवर ट्वेंटी पेजेस अदर वर्ड्स लाइक अगथ्यम भरतम मुरुवल जयंथम गुनुलम एंड वर अवेलेबल ये सब है साउथ इंडियन ठीक है जो मिलते हैं

द इंस्टीट्यूशन ऑफ डांस वॉज प्यूरिफाइड एंड ब्रॉड अंडर टू मीन डिविजन शांति कुट्टू एंड विनोद कुट्टू ठीक है शांति कुट्टू एम्प्रेस्ड अमंग अदर्स अभिनयम एंड नाटकम इसमें अभिनय और नाटक सब होते हैं एंड जिसमें आप देख सकते हो कथक कली अगर आपने देखा हो उसमें एक्टिंग भी है और उसमें नाटक भी है सिल्लपदी करम काउंटेड अमंग द आर्टिस्ट क्वालिफिकेशंस नॉट ओनली ब्यूटी ऑफ फॉर्म एंड प्रोफिशिएंसी इन म्यूजिक एंड डांसिंग बट आल्सो बर्थ इन अ गुड फैमिली ये देखने को मिलता है हाउएवर अर्ली तमिल वर्क्स शो दैट डांसिंग गर्ल्स एंड प्रोस्टिट्यूशन वर रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेसेसरी सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ मरुथम द लैंड ऑफ पैडी फील्ड्स वेल्थ एंड लग्जरी फिर है द फोक स्टेज द डिसेंडेंस ऑफ संस्कृत ड्रामा वाज ड्यू 10th सेंचुरी और संस्कृत लैंग्वेज अब लोग कम बोलते थे और बहुत सारी अपभ्रंश लैंग्वेजेस जो हैं वो इस्टेब्लिश हुई और मतलब डायलैक्ट्स बहुत सारे आ गए मॉडर्न लैंग्वेजेस आ गई सो so, संस्कृत का जो ड्रामा है वो कम होता गया ओवर सेंचुरीज एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द नाट्य शास्त्र थिएटर आर्टिसाइट्स हैड डेवलप्ड इनटू अ डिस्टिंग कास्ट कोल्ड चारण चारण जो हैं ये लोग आ गए ये चारण जो होते थे ये सूत जो होते हैं ठीक है जो बार्ड्स होते थे उन्हीं के ही डिसेंडेंट्स माने जाते हैं ये रिसाइट करते हैं ट्रेडिशनल स्टोरीज को अपने किंग्स के बारे में बढ़ा चढ़ा के पोएम्स पढ़ते हैं जैसे चंद बरदाई है ठीक है रॉयल पेट्रोनेज गेव अ फिलिप टू द रेजुनेशन ऑफ द इंडियन थिएटर लक्ष्मण सेना सिन्हा बंगाल एंड किंग ऑफ जोधपुर कैन बी साइटेड एज एग्जाम्पल्स ये रॉयल पेट्रोनेज मिलती थी इनको थिएटर वालों को फिर आगे है सेकेंड यहां पे हम ये देख द राइज ऑफ द कल्ट ऑफ डेव्यूशन एंड इन्फ्लुएंस्ड द थिएटर ठीक है और का राइज हुआ इससे भी थिएटर इन्फ्लुएंस हुआ फर्स्टली इट अ नंबर ऑफ किंग्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री टू बिल्ड टेम्पल्स ठीक है द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेम्पल्स मीन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्ले हाउसेज जितने ज्यादा मंदिर उतने ज्यादा फिर ये होते

मार्क दिस चेंज फॉर द इंडियन कल्चर वेराज संस्कृत ड्रामाज जो थे ये बिल्कुल कम हो गए थे ठीक है और क्योंकि बहुत सारी नई नई लैंग्वेजेस आ गई थी तो मतलब बहुत सारी अपभ्रंश डायलैक्ट्स जो है वो आ जाती हैं यहाँ पे फिर है द कॉमन प्लेस टू फाइंड परफॉर्मर्स वॉज इन अर्बन सेंटर्स बिकॉज इट वॉज देयर देवर एबल टू फाइंड वर्क टू सपोर्ट दैमसेल्व अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा हो रहा था लार्ज टेम्पल्स फॉर होम टू म्यूजिकल एंड थिएटरिकल शोज बड़े बड़े मंदिरों में जो हैं ये इनके घर होते थे जो थिएट्रिकल शोज के फिर आगे मिडिवल इंडिया में और medieval India में भवभूति है ये बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट थे ठीक है एंड उनके जो प्लेज हैं मालती माधव मागवीर चरित, उत्तर चरित्र उत्तर रामचरित्र ये सब है ब्रिटिशर्स के अंडर थिएटर कैसा रहा यहाँ पे आप अगर देखोगे अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल मॉडर्न इंडियन थिएटर थियेटर बिगे थिएटर वॉज स्टार्टेड इन बेलगिया वन ऑफ दर्स्ट एंड स्टेज ड्यूरिंग दिस पीरियड बुरो शली खेर घारे रोहा बाय माइकल मधुसन दत्त दोनों ये बंगाली में थे अराउंड द सेम टाइम नील दर्पण ठीक है ये क्या है बाय गिरीश चंद्र घोष एट द नेशनल थिएटर इन कोलकाता अ बंगाली प्ले बाय दीन बंधु मित्र गार्न बोथ क्या, इसमें? क्या बोला है थिएटर के लिए और ये सब जो है आप उनके प्लेज याद रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें आगे बढ़ते हैं दोनों द ब्रिटिश बिलीव दैट द इंडियन एक्टर्स दे बिलीव दे ब्रॉड लक एंड प्रोस्पेरिटी The emergent uh, modern Indian theatre, which is also referred to as native theatre, features a theatrical approach that has been viewed as an intersection of Indian social space and Western theatre formats and conventions. So the resulting theatrical space is described to be existing at the material, symbolic, and discursive levels to resist its use by Indians as an instrument of protest. So theatre ko ek protest ke instrument used now is British. गवर्नमेंट ने एक एक्ट इम्पोज किया ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस का का एक्ट था 1876 आफ्टर इंडिपेंडेंस थिएटर कैसा था भाई सो so, इसमें क्या है इम्प्रोविशेषनल इज अ फॉर्म ऑफ थिएटर इन विच द एक्टर्स यूज इम्प्रोविशनल एक्टिंग टेक्निकसली इम्प्रोवाइजर्स टिपिकली यूज ऑडियंस टू गाइड द क्रिएट डायलॉग सेटिंग प्लॉट मैनी इम्प्रोविशनल एक्टर्स ऑल्सो वर्क एज स्क्रिप्टेड एक्टर्स एंड इम्प्रूव टेक्निक्स एंड आर ओपन टॉट इन स्टैंडिंग एक्टिंग स्टैंडर्ड एक्टिंग क्लासेज द बेसिक स्किल्स ऑफ लिसनिंग क्लैरिटी कॉन्फिडेंस एंड परफॉर्मिंग इन स्टिंकटिवली एंड स्पोटली आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट स्किल्स फॉर एक्टर्स टू डेवलप सो ये सारी स्किल्स होना बहुत जरूरी थी इम्प्रोविशेल थिएटर इन इंडिया इज लार्जली यूज फॉर एजुकेशनल इंटरवेंशनल एंड एंटरटेनमेंट परपज सो देशनल थिएविडेंट ऑफ फॉरम थियेटर विद जनक संस्कृति अंडर द लीडरशिप ऑफ संजय गांगुली आफ्टर दैट नाइनटीन नाइन नाइन टीम फ्रॉम दू एस विद बेब हॉस्किन एंड मैरी गुड इंट्रोड्यूस्ड प्ले बैक थियेटर टू इंडिया फिर ये ऐसे आता है प्रोफेशनल थिएटर है बॉम्बे एक कमर्शनल सेंटर था जहाँ पे पारसीज का थिएटर चलता था ये आपको याद रखना है इसमें विष्णुदास भावे भावे रेंटेड अ प्ले हाउस इन बॉम्बे एंड कलेक्टेड मनी इस फर्स्ट हिंदी प्ले राजा गोपीचंद रिकॉर्डेड अ कलेक्शन ऑफ रूपीज एटीन हंड्रेड इन वन नाइट द प्रोम ऑफ गुड रिटर्न एनकरेज द कमर्शियल वेंचर फिर आगे है पपेट्री ठीक है जो पुतलियों का, वो, पुतलियों का खेल होता है वो यहाँ पे बहुत चला भाई इंडिया में ठीक है और द पपेट्स कैन इम्पार्ट लर्निंग ऑन एग्रीकल्चर हेल्थ जेंडर जस्टिस रिमूवल और सुपरस्टिशंस मेंटेनेंस ऑफ कम्युनल हारमोनी इस सब का वो शो दिखाया जाता था पपेट्री जो होती है आपकी भाई उसके भी अलग अलग तरीके हैं शेडो पपेट्री है स्ट्रिंग पपेट्री है रोड पपेट्री है सो कोलोकियल लैंग्वेज एंड फैमिलियर सिचुएशन मेक दिस आर्ट बहुत पॉपुलर हुआ भाई कठपुतली वाला ठीक है नुक्कड़ नाटक बहुत फेमस हुआ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डांस इन इंडिया क्या क्या हमारे यहाँ पे डांस हैं So, Dance in India comprises numerous styles of dances. बहुत सारे डांस हैं क्लासिकल डांस हैं, फोक डांस हैं, लोकल आपके बहुत लेवल पे डांस हैं. संगीत नाट्य अकेडमी जो है ये नेशनल अकेडमी है हमारे इंडिया की फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स और इसने बताया है आठ तरीके के हमारे ट्रेडिशनल डांस हैं जिनको हम इंडियन क्लासिकल डांस कहते हैं ओके और दीज हैव रूट्स इन संस्कृत टेक्स्ट नाट्यशास्त्र शास्त्र और नाट्य से ही इनके रूट्स हैं सो so, देखते हैं क्या है भाई क्लासिकल इंडियन डांसेस हैव हिस्टोरिकली अ स्कूल और गुरु शिष्य परंपरा क्लासिकल डांस सीखने के लिए एक गुरु और शिष्य की परंपरा होती है गुरु शिष्य को बताता है और इस तरीके से ही फिजिकल एक्सरसाइज होती है सारा एकदम सिंकुराइज वे में होता है और ये सब चलता है फोक डांस जो है ये एक ओरल ट्रेडिशन है ठीक है औरल ट्रेडिशन से है आपको मैंने बताया भी था फिर आता है आपका सेमी क्लासिकल इंडियन डांस इसमें क्या है क्लासिकल इम्प्रिंट होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा फोक डांस भी होता है इसमें फिर आता है ट्राइबल डांस ये जो ट्राइबल लोग होते हैं वो करते हैं और ये सब चलता है सो हमारे डांस देखते हैं कौन कौन से हैं भरतनाट्यम सबसे पहले सो डेटिंग बैक टू उजेंडो बिफोर कॉमन एरा भरतनाट्यम इज अ क्लासिकल डांस फ्रॉम द साउथ इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु ठीक है ये वहां का है प्रैक्टिस इन मॉडर्न टाइम्स बायेन और विमेन ही इसको ज्यादातर करती हैं द डांस इज यूजली अकम्पनीड बाय क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक बजता है भरतनाट्यम इज अ मेजर जोनरा ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस दैट ओरिजिनेटेड इन द हिंदू टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु यहाँ से इसका ओरिजिन है

और आज़ादी के बाद से ही बहुत ज्यादा हमारा ये चला है और बहुत मतलब ये आज भी बहुत ज्यादा फेमस है अगर आप देखते हो फिर है कथक कली कथक कली में क्या है कथा का मतलब होता है स्टोरी कली का मतलब होता है परफॉर्मेंस सो इट्स हाईली स्टाइलाइज क्लासिकल डांस ड्रामा क्लासिकल डांस है केरला में इसका ओरिजिन हुआ है केरला का है दिस क्लासिकल डांस फॉर्म इज अनदर स्टोरी प्ले और ये भी स्टोरी कहीं ना कहीं बताता है बट वन डिस्ट्रीगूस्ड बाई इट्स एलोबरेटली कलरफुल मेकअप कथक कली में कलरफुल मेकअप बहुत ज्यादा होता है मेल बहुत ज्यादा होते हैं कथक कली प्राइमरलीवलप्ड एज अफॉर्मेंस का आर्ट था ये शुरू में परफॉर्मिंग प्लेज एंड मिथिकल लेजेंड्स रिलेटेड टू हिंदुइज्मीजियस ड्रामा ट्रेसिबल टू एटलीस्ट दस्ट मिली हिंदुइज्म से ज्यादातर जुड़ा हुआ है Uh, Kathakali performance incorporates movements from the ancient martial arts and the athletic traditions of South India while linked to the temple dancing traditions such, such, such as Krishna Natam, Kuti and others. And Kathakali is different from these because unlike the older arts, डांसर एक्टर अलग होता है वोकलिस्ट जो होते हैं वो अलग होते हैं फिर आता है आपका कथक कथक क्या है भाई कथक इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू द ट्रेवलिंग बार्ड्स ऑफ एंशियंट नदर इंडिया जो बार्ड होते थे जो चारण होते थे जो मतलब जो मतलब कवि होते थे एक तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे इनको या स्टोरी टेलर्स कहा जाता था जो कहानियां सुनाते थे द टर्म कथक इज डिराइव फ्रॉम द वैदिक संस्कृत वर्ड कथा ये कथा से निकला है कथक वर्ड जिसका मतलब होता है स्टोरी और कथक का मतलब होता है जो स्टोरी सुनाने वाला होता है सो so, कथक इवोल्व ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट भक्ति मूवमेंट के टाइम पे ज्यादा इसका इवोल्यूशन हुआ पर्टिकुलरली बाय इनकॉर्पोरेटिंग चाइल्डहुड एंड अमोरनस स्टोरीज ऑफ हिंदू गॉड कृष्णा इनके बारे में ज्यादा होता है और इट ट्रांसिशन इन द मुगल कोर्ट्स ऑफ 16th एंड 17th सेंचुरी वाज एंड डिक्लाइन इन द कॉलोनियल ब्रिटिश एरा और अंग्रेजों के टाइम पे ये बिल्कुल दब सा गया था और आज़ादी के बाद कथक फिर से फेमस है फिर आता है कुचिपुड़ी कुड़ी जो है आ,

मॉडर्न कुछ तीर्थ नारायण सिद्धेंद्रज आर्ट इन सेंचुरी ये ऐसा मानते हैं कुचिपुड़ी लार्जली डेवलप्ड एज अड कृष्णा ओरियंटेडिज्मत मेला परफॉर्मेंस आर्ट फाउंड इन तमिलनाडु एंड द कुचिपुड़ी परफॉर्मेंस इनक्लूड्स पूरा डांस होता है इसमें ठीक है और कुछ नहीं होता नृत्य होता है इसमें कुल मिला के और कुचिपुड़ी डांसर्स में मैन भी होते हैं भी होते हैं म्यूजिक भी बजता है ताल भी होती है फिर अगला है उड़ीसी उड़ीसी जो है ये उड़ीसा से रिलेटेड डांस फॉर्म है और इसका ओरिजिन भी हिंदू टेम्पल्स में हुआ उड़ीसा के ही सो उड़ीसी इन इट्स हिस्ट्री वॉज परफॉर्मड बाय बायेन स्टार्टिंग में जो महिलाएं होती थी वो ज्यादातर इसको करती थी And expressed religious stories and spiritual ideas. जो भगवान जगन्नाथ हैं उनके को बताया जाता है इस में। और इसके अलावा जो हिंदू गॉड्स हैं सूर्य देव हो चाहे शिवजी हों और चाहे शक्तिज्म हो जैसे कि जो माताएं होती हैं उनके बारे में भी दिखाया जाता है ओडिसी इज ट्रेडिशनली डांस ड्रामा जोन ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट वेर द आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस प्ले आउट अल स्टोरी इसमें आर्टिस्ट जो होता है वो एक स्टोरी को प्ले करता है एक स्पिरिचुअल मैसेज होता है इसके अंदर इसमें आपका अभिनय भी होता है यानी कि एक्टिंग भी होती है और सब कुछ होता है ठीक है जो आपके जेस्टर्स होते हैं हाव भाव भी होते हैं साइन लैंग्वेज भी होती है फिर आता है सत्रिया सत्रिया एक क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि असम से निकलती है और एंड एट्रीब्यूटेड टू द फिफ्टीन सेंचुरी भक्ति मोमेंट्स और ये शंकर देव जी से जुड़ी हुई है वन एक्ट प्लेज ऑफ सत्रिया आर कॉल्ड अंकीय नाथ ठीक है और जो सत्रिया के अंदर जो एक्ट प्लेज होते हैं उनको अंकीय नाट कहते हैं विच कंबाइन द एस्थेटिक एंड द रिलीजियस थ्रू अ बैलेड डांस एंड ड्रामा ये सब इसमें होता है द प्लेज आर यूजली परफॉर्मड इन द डांस कम्युनिटी हॉल्स कम्युनिटी हॉल्स में होते हैं मोनेस्ट्रीज में होते हैं द the थीम्स अगर हम देखें तो कृष्ण राधा की थीम होती है और राम सीता की थीम होती है फिर है मणिपुरी मणिपुरी डांस जो है मणिपुरी रासलीला डांस ये एक यूनिक फॉर्म है जो कि मणिपुर से इसका ओरिजिन है और ये इसके अंदर क्या है कि हिंदू वैष्णविज्म थीम्स इसमें ज्यादा दिखाई जाती हैं राधा कृष्णा की रासलीला होती है हाउ एवर द डांस इज ऑल्सो परफॉर्म टू थीम्स रिलेटेड टू शैविज्म शिव जी से जुड़ी हुई भी, भी बहुत सारी इसमें होती हैं दिखाई जाती हैं द मणिपुरी रासलीला डांस इज अ टीम परफॉर्मेंस पूरे टीम की परफॉर्मेंस होती है इसके अंदर ठीक है तो ये आपको याद रखना है फिर है मोहिनी अत्तम मोहिनी अत्तम डेवलप्ड इन द स्टेट दे ऑफ केरला केरला में इसका जो है जन्म होता है इस डांस का और इसका नाम मोहिनी कैसे आया द सिडेक्ट्रेस अवतार ऑफ विष्णु हु इन हिंदू माइथोलॉजी यूजिस हर चार्म्स टू हेल्प द गुड प्रिवेल इन बैटल बिटवीन गुड एंड इविल मोहिनी अत्तम फॉलोज द लास्य स्टाइल डिस्क्राइब्ड इन नाट्य शास्त्र दैट इज़ अ डांस विच इज़ डेली डेलीकेट विथ सॉफ्ट मोवमेंट्स और फेमीनाइन थोड़ा ये लेडीज़ तरीके का डांस होता है फेमीनाइन होता है काफ़ी सॉफ्ट मोमेंट्स होते हैं इट इज़ अ ट्रेडिशनली एज अ सोलो डांस परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में इसको लड़कियाँ करती थी और सोलो होता था अकेले होता था द रेपर टोर ऑफ मोहिनीत्तम इंक्लूड्स प्योर एंड एक्सप्रेसिव डांस ड्रामा परफॉर्मेंस ये होती है जिसमें थोड़े थोड़ा म्यूजिक भी होता है और सॉन्ग्स जो हैं मलयालम संस्कृत वाले होते हैं तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी और ज्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जय हिंद जय भारत बहुत बहुत धन्यवाद